ओपनिंग स्टॉक का हमेशा दिया रहता है डेबिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक को खत्म करने के लिए हमको ट्रेडिंग अकाउंट में एक एंट्री करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ओपनिंग स्टॉक। अब बात आ जाती है क्लोजिंग स्टॉक क्या चीज है और क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा। क्लोजिंग स्टॉक मतलब हमारा ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था पिछले साल का कुछ, तो इस साल हम कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए, कुछ गुड्स हमने इस साल खरीदे और कुछ गुड्स हमने बेच दिए। उसके बाद भी अगर कुछ गुड्स अनसोल्ड मतलब पड़ा हुआ है फिनिश स्टॉक में तो उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक डिटरमाइन हो रहा है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, आई रिपीट, ट्रायल बैलेंस आप बना चुके हैं, उसके बाद आपको पता पड़ रहा है कि अभी भी गोदाउन में इतना गुड्स बिका नहीं है, वो बचा है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इसको आप मतलब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है, ट्रायल बैलेंस के बाद डिटरमाइन हुआ है, तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे। आप इसकी एंट्री क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक जो कि जैसे सेल्स हमारा क्रेडिट बैलेंस है और कुछ माल अगर नहीं बिका है तो क्रेडिट बैलेंस भी पड़ा हुआ है, पर इसको हमें खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तब जब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक अपियर नहीं हो रहा है, मतलब आपने जो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन किया हुआ है ये क्लोजिंग स्टॉक आफ्टर प्रिपरेशन और ट्रायल बैलेंस बना, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्लोजिंग स्टॉक अगर कैलकुलेट हो रहा है तो सीधे सीधे आपको कहां ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिख रहा है, सीधे सीधे कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। पर अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक अपीयर हो रहा है, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हो चुका है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज में एडजस्ट हो चुका होगा इस एंट्री के थ्रू, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा था क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इसको डायरेक्टली परचेज में एंट्री कर देंगे, ये फिर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। क्रक्स में बात रिपीट कर देता हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाद अगर डिटरमाइन हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपीयर होगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से पहले ही डिटरमाइन हो चुका है तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपीयर नहीं होगा। जल्दी से इस बात को नोट डाउन करें, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज डिटरमाइंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल, क्लोजिंग स्टॉक पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक मतलब ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इट विल बी ऑलरेडी एडजस्टेड इन परचेज। हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, हेंस क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, इट विल डायरेक्टली अपीयर इन बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले क्लोजिंग स्टॉक आप कैलकुलेट कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक को तब एंड करने के लिए हम परचेज में करेंगे क्योंकि ये ऐसा माल है ना बिका है और बचा हुआ है, तो हम परचेज को उतने से कम करें, तो परचेज हमारा ऑलरेडी नेट एडजस्टेड है क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करने के बाद, थोड़ा सा परचेज कम हो जाएगा मतलब बात वही हो गई, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, वो परचेज में से ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, इसलिए हम लोग उसको सीधे बैलेंस शीट में ले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। अब सेकेंड सेंटेंस, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज डिटरमाइंड या कैलकुलेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो हम इसको कहां ले जाएंगे, सीधे सीधे ट्रेडिंग अकाउंट, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक डिटरमाइन हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में परचेज तो आ ही चुका होगा,
तो उस परचेज में क्लोजिंग स्टॉक का तो एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट किया ही नहीं था, हमने गोदाउन में देखा ही नहीं था कितना माल अभी भी बचा हुआ है। तो हमको अब क्लोजिंग स्टॉक को परचेज में नहीं छेड़ना है, ट्रेडिंग अकाउंट में छेड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग एंट्री हो जाएगी, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट प्लस बैलेंस। मतलब आपका अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा है तो आपको दो जगह क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा, वो है ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा है, देन दो जगह शो करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो आपको सीधे बैलेंस शीट में ले जाना है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, सीधे बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में बोलो नहीं आ रहा है तो दो जगह ट्रीट। जल्दी से नोट डाउन करें, जल्दी से इसका ट्रीटमेंट अपन लोग कर लेते हैं।